नमस्कार दोस्तों, साइड ट्रेडिंग टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आपका पोर्टफोलियो में दिन दिन रात चौगुना वृद्धि हो, यह मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आज हम लोग कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे और उससे पहले कुछ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है स्टॉक के नाम बारी बारी से आप लोगों के सामने मैं बताऊँगा। अगर कोई शेयर प्रॉफिट नहीं दे रहा है और बार बार उस शेयर का नाम आपको इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है, उसका एक ही रीज़न है, उस स्टॉक में कितना अपॉर्चुनिटी है, कितना ज़्यादा उस स्टॉक से फ़ायदा मिलने वाला है फ्यूचर में उनका डिमांड को देखते हुए, ये सब देखकर किसी स्टॉक को बार बार बताया जाता है। उस स्टॉक के पीछे मत भागिए जो स्टॉक ऑलरेडी भागकर बहुत आगे चला गया है। उस स्टॉक के ऊपर फोकस कीजिए जो अच्छा भागने की तैयारी कर रहा हो, कंसोलिडेशन फेज में हो। वैसे स्टॉक को पकड़ने से बहुत मुनाफा होता है। स्टॉक तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें पहचान करना पड़ता है, इसलिए बहुत ध्यान से हमें स्टॉक को बताना पड़ता है। कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे उस ट्रेन को पकड़ने में फ़ायदा नहीं है जो काफ़ी स्पीड से चल रही है, और वैसे ट्रेन रेलवे स्टेशन से एक सिग्नल पहले से ही काफ़ी लंबा लंबा हॉर्न देती है, इंटेंशन देती है पब्लिक को कि आप उस टाइम में रेलवे लाइन के पास ना आए और स्टेशन पे भी हो तो थोड़ा सा साइड में जाए, क्योंकि वो काफ़ी स्पीड से जाती है। और एक दूसरी ट्रेन भी आती है जो कि हमारे लिए आती है, आकर के कुछ टाइम के लिए रुकती है, कुछ पैसेंजर उतरते हैं, कुछ पैसेंजर को बैठाती है, फिर उस ट्रेन के अनाउंसमेंट भी होता है ये ट्रेन कहाँ से चलकर कहाँ पहुँचेगी। तो वैसे ट्रेन को पकड़िए जो ट्रेन आपके लिए वेट कर रही है। कहने का मतलब है सब कुछ सही होगा, बस पेशेंस रखना है। जिस आदमी के पास पेशेंस है वही सभी जगह जीतता है, उसी आदमी के पीछे दुनिया नतमस्तक होती है। कहने का मतलब यह है कि आप सब काम कीजिए लेकिन उसमें थोड़ा सा अपना धैर्य बनाकर रखिए। स्टॉक मार्केट में गिरावट होने पर इन्वेस्टर को लॉस होता है, यह सही बात है, यह 100% राइट है, लेकिन स्टॉक मार्केट में गिरावट होने पर भी उसका फ़ायदा लिया जा सकता है। अच्छे अच्छे स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाकर अपने पास रखिए। आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक बहुत अच्छे क्वालिटी का है लेकिन उसका प्राइस काफ़ी आपको महंगा लगता है और उस स्टॉक को आप बाई करना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं बाई कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फिर वैसे स्टॉक को बाई करने के लिए एक ही हमारे पास ऑप्शन है कि जब भी मार्केट में करेक्शन आए और जो हमारा फेवरेट स्टॉक है तो जब भी उसमें थोड़ा सा प्राइस डाउन जाए तो फिर उसमें हम एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से बार बार दो स्टॉक की चर्चा करता हूँ, इस स्टॉक के बारे में चर्चा भी करूँगा और आप ये भी समझिएगा कि ये स्टॉक आपके लिए रिकमेंडेशन भी है बाय करने के लिए। जैसे टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड की बात करता हूँ, ये बात भी कर रहा हूँ और ये आप दोनों स्टॉक आपके लिए रिकमेंडेशन भी है बाई करने के लिए। ये दोनों स्टॉक ईवी सेक्टर के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, साथ में डिफेंस सेक्टर के लिए भी स्टॉक काम करते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों स्टॉक में क्या डिफरेंस है। एक स्टॉक जो टाटा मोटर्स है वो ऑलरेडी 1000 रुपीज़ के ऊपर चल रही है और ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। इनका बिजनेस मॉडल जो है व्हीकल के लिए जो भी बैटरी है, पावर है, स्टील, टेक्नोलॉजी, केमिकल, इंश्योरेंस, फाइनेंस, सारे के सारे ऑप्शन इस कंपनी के पास है। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अब बात करते हैं दूसरी स्टॉक की जिसका नाम है अशोक लीलैंड लिमिटेड। करेंट प्राइस 199 रुपीज़ है। अब ये दोनों स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं और जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें दोनों स्टॉक का नाम है बाई करने के लिए, और अभी हमें बाई करना है तो
हम अभी अशोक लीलैंड में आराम से एंट्री ले लेंगे। और टाटा मोटर्स बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, उसको भी बाई के लिए हम अपने ऑप्शन में रखे हैं। लेकिन जब कभी हमें मार्केट में करेक्शन मिलेगा, जब बोलते हैं कि मार्केट में गिरावट होने पे सभी को लॉस होता है, तो ज़रूर मैं इस बात से सहमत हूँ, जिस इन्वेस्टर के पास पहले से है उनको थोड़ा सा लगेगा कि लॉस हो रहा है, लेकिन उसको भी लॉस नहीं बोलेंगे, उसको एवरेज करेंगे, क्योंकि स्टॉक अच्छी है, इसको एवरेज करेंगे तो उनके लिए फ़ायदा है। और जो दूसरा इन्वेस्टर जो बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था इसमें एंट्री करने के लिए, तो उनके लिए भी एक चांसेज मिल गया। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग कोई भी काम करते हैं उसमें हमें दोनों पक्ष का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ऑलरेडी जो पहले से एंट्री कर चुके हैं, जो काफ़ी उनका अच्छा पोर्टफोलियो है, कुछ ऐसे इन्वेस्टर भी हैं जो नए नए हैं, और हर एक आदमी का जो है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए बहुत कुछ सोच समझ के आप लोगों के पास कोई किसी भी स्टॉक के बारे में चर्चा करता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कुल मिला जुला करके दोनों स्टेज के लिए रेडी रहना है। स्टॉक मार्केट में जब प्रॉफिट चले तब भी कमाना है, और जब कभी मार्केट करेक्शन हो जाए, कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो आप उसको फ़ायदा उठाइए। तो ये सब जनरल बातें हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दिल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम लोग स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाले समय में बेहतरीन मुनाफा दे सकते हैं। तो उस स्टॉक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और इस स्टॉक को बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ, और अभी भी ये बहुत महंगा नहीं है, अभी भी सस्ता ही है, आने वाले समय में आपको बहुत महंगा हो जाएगा, इसलिए इस स्टॉक के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इसका करंट प्राइस 57 रुपीज़ है। ये अच्छा शेयर है, अभी अपने इन्वेस्टर को ज़्यादा फायदा नहीं दिया है, लेकिन आने वाले समय में ये शेयर अपने इन्वेस्टर को अच्छा फायदा बना कर देगा। 52 वीक लो प्राइस 37 रुपीज़ 20 पैसे, और 52 वीक हाई प्राइस 68.30 पैसे था। मार्केट कैप 6.27 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अच्छा कंपनी है, और अभी जितने भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है, और आने वाले समय में भी पैसा बना कर देंगे। इसको बाई करने के बाद होल्ड कीजिए कुछ समय के लिए, आपको अच्छा पैसा बना कर देगा। नेक्स्ट, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको। करेंट प्राइस 185 रुपीज़। ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और इस स्टॉक के बारे में कई बार मैं आपसे चर्चा भी किया हूँ, और ये स्टॉक ट्यूजडे के दिन भी बाई करने के लिए मैं बताया था। ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, मेटल सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो बहुत ही अच्छा आपको मुनाफा बनाकर देगा। नेक्स्ट, HFCL लिमिटेड, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, और बहुत सस्ते दाम पर मिल रही है। ये कंपनी इंटरनेट के लिए काम करती है, और इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। इंटरनेट सर्विस हर एक इंसान को चाहिए, इस शेयर को ज़रूर ध्यान दीजिए, आने वाले समय में अच्छा पैसा बनाकर देगा। नेक्स्ट, ट्राइडेंट लिमिटेड, करेंट प्राइस 39 रुपीज़ 50 पैसा। इस कंपनी का नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कंपनी अच्छी है, और अभी काफ़ी सस्ते प्राइस में ये शेयर ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी इनके बिजनेस मॉडल के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये कंपनी जो है माइक्रो फाइबर कपड़े, टॉवल्स, पेपर के बैग्स बनाती है। अभी आप जिस किसी कपड़े की दुकान पर या कोई भी अच्छे दुकान पर बाई करते होंगे, तो जो पहले प्लास्टिक बैग्स में कपड़ा देते थे या कोई आइटम देता, वो सारे चेंज हो गए, वो अभी सारे पेपर के बैग्स में आपको देते हैं सामान। और आने वाले समय में ये सारे जो पॉलीथीन प्लास्टिक जो है वो बंद हो जाएंगे, और ये सारे पेपर के बैग्स चलेंगे। एक्चुअली इससे बहुत
पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने जो भी पॉलीथीन थे वो ज़मीन के अंदर जा कर के हमारे फर्टिलाइजर्स को कम कर दिया, उससे बहुत तरह तरह की बीमारियां फैल गई हैं, जो हमारे मिट्टी है वो काफ़ी प्रदूषित हो गई है। और ये पॉलीथीन ऐसी चीज़ है कि 10-10 साल तक ज़मीन के अंदर जाकर दबे रहने के बाद में भी वो गलता नहीं, जो कि बहुत ही डेंजर होता है। इसलिए जो भी हमारे फसल होते हैं वो अच्छा से नहीं उपज पाते, और उसके कारण लोग काफ़ी फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो गवर्नमेंट भी अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, और आने वाले समय में सब पॉलीथीन के बैग्स बंद हो जाएंगे और पेपर के बैग्स में ही सामान दिया जाएगा। नेक्स्ट बैंक सेक्टर का ही स्टॉक है, उसका नाम है फेडरल बैंक लिमिटेड। करेंट प्राइस 168 रुपीज। ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और आप इसको ध्यान में रखिए, ये धीरे धीरे अपने मुकाम की तरह बढ़ते जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। नेक्स्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी बहुत बेहतरीन स्टॉक है, इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल कीजिए, आप इस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, काफ़ी कम प्राइस में ओनली 56 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। तो ये सब जितने भी स्टॉक हैं काफ़ी कम पैसे में अभी ट्रेड कर रहे हैं। जितने भी स्टॉक का मैं नाम आपके सामने बताया हूँ सारे बेहतरीन स्टॉक हैं, और इनको बताने का रीजन यही है कि कंपनी अच्छी है और काफ़ी अच्छी प्राइस में भी मिल रहा है। ऐसे स्टॉक पर ज़रूर अपना फोकस कीजिए और आने वाले समय में ज़रूर आपको अच्छा से अच्छा मुनाफा बना कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए। थैंक यू।